लिख ली। त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। I'm not afraid to die.
जब ये आँख खुली ओ जाग गई मैं नींद से, जब ये आँख
नागपुर महाराष्ट्र से चलकर मिशन गायिका अंजलि भारती अभिनेत्री बोधगया में पधारी हैं आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। ये अंजलि भारती जो सिंगर है मिशन गायिका, आज ये प्रज्वली है, टर्नेरी बन चुकी है। आप तो देखें ये सभी जो उपासक का उपासिका का जो ड्रेस होता है अभी हट चुका है, अभी चीवर इनके अंग पर पड़ गया है। ये चीवर क्यों पहनी है, सेमिनरी बनी है, इनसे मैं पूछने जा रहा हूँ आखिर इनको चीवर पहनने का उद्देश्य क्या है। इनका नाम है अंजलि भारती और प्रवज्ञा का नाम है बोधिचित्ता। बोधिचित्ता जी ये बताइए आपको चीवर पहनने का उद्देश्य क्या है, आप सेमिनरी क्यों बनी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ अगर किसी को कुछ बताना है, किसी को अगर कुछ समझाना है बुद्ध धर्म के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैंने पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए तब कोई जाके। अभी पूरे भारत में समाज का प्रबोधन प्रचार प्रसार करती हूँ समाज का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, तो मुझे ऐसा लगा अगर धर्म का भी मुझे बताना है तो मुझे पहले खुद करना चाहिए तब कोई जाके किसी को बता पाऊंगी मैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज है जितनी भी जेंट्स है जिंदगी में एक बार तो भी सभी ने चीवर लेना चाहिए। इनका कहना है कथनी और करनी, हम लोग स्टेज पे जो गायिका होती है स्टेज पर बहुत सारे बड़े बड़े बात बोलती है, इनका कहने का मतलब जो मैं बोलती हूँ वो प्रैक्टिकली मैं खुद करके करूंगी तब समाज को बताऊंगी, यानी इनका कथनी करनी दोनों बरोबर है। ये भंते जी के सामने ही अपना बात रखी और ये बोले चीवर पहने के अभी आपको कैसा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है इतने साल से मतलब सब कुछ कर रही हूँ लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहीं पे वहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है पहली बार कि मेरा नया जन्म हुआ है। साधु साधु, इनको नया जन्म मिला। ये अभी देखिए अंजलि भारती से बोधि चिंता बन गई, तो नया जन्म हो गया तो नया नाम भी मिल गया इनको। और ये चीवर परिधान में कितने देर रहेंगे? ये पूरे वर्ष से वास तक रखूंगी मैं, 3 महीने के लिए। यानी 3 महीने के लिए ये प्रज्वली है सरमेरी बन के 3 महीना भिक्षु का जीवन कैसा होता है, जीवनचर्या ये 3 महीना भिक्षु के ही बिताएगी, यही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। ये दिन दुना रात चौगुना हमारे जितने भिक्षु संघ धर्म गुरु है हमेशा इनका आशीर्वाद लगे रहेगा, दिन दुना रात चौगुना ये आगे बढ़े और ये परिनिर्वाण के प्राप्ति के लिए लोग चीवर पहनते हैं। हम लोग कैसे निर्वाणी बने, निर्वाणी बनने के लिए आप जल्दी निर्वाणी भी आने वाला समय में बनेंगे, 150 साल जियेंगे, हम लोग का मंगल कामना है, आशीर्वाद है हमेशा लगा रहेगा। यही चंद शब्दों के साथ अंजलि भारती जी बोधिचित्ता जी का हम लोग इंटरव्यू लिए, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और गुरु जी को क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताइए। गुरु जी की कौन गुरु है आपके? गुरु जी मेरे धर्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि जी, उनके प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि सब लोग कहते हैं कि लोग चीवर लेते हैं भंते जी ऐसे है वैसे है कोई क्या बोलते हैं, तो मुझे खुद वो जिंदगी में आके देखना था चीवर कौन ले सकता है और क्या होता है चीवर लेने से। बोलने से कुछ नहीं होता, वो बोलते ना कि बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होता है और बड़ी जहमतें उठानी पड़ती है तब कहीं जाके नाम होता है। तो आप लोगों ने इतना सब अपना पूरा जीवन दान दे दिया है धम्म के नाम से, तो आपका क्या है ओरिजिनल, आप कितनी मेहनत करते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं ये दुनिया को अगर मुझे बताना है तो पहले मुझे वो करना पड़ेगा, वो हिसाब से मैंने किया है। और अभी धम्म का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में बिहार में ये नहीं तो पूरे भारत में और भी मैं करना चाहती हूँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद। धन्यवाद साधुवाद। महाराष्ट्र औरंगाबाद से चल के विश्वनाथ बोधि जी महाथेरू जी हम लोग के गुरु हैं, इनके मार्गदर्शन पर सभी भिक्षु संघ चलते हैं। ये बिहार में भी बहुत इनका अच्छा कार्य है, बोध गया के धरती पे किसी ने हिम्मत नहीं लिया धम्म दीक्षा कार्यक्रम कराने का, किसी ने हिम्मत नहीं रखा। विशुद्धानंद गुरु जी के माध्यम से भंते भी बेकी जी और हम लोगों ने इनको गुरु जी को सपोर्ट किया और धम्म दीक्षा बिहार बोध गया में हुआ। अभी आने वाला समय में बहुत बड़ा धम्म दीक्षा हम लोग सब लोग मिल कर लेंगे, उसमें 22 प्रतिज्ञा भी दिया जाएगा, ये हिम्मत हम लोग जुटाएंगे। और बिक्की भंते जी कैसा कार्य कर रहे हैं बिहार में, आप इनके बारे में जानते थे, थोड़ा इनके बारे में बताइए। नहीं, इनके बारे में भी मतलब मेरे जो धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि जी, इनका तो पूरा काम बिक्की भंते जी संभालते हैं। मतलब महाराष्ट्र की मैं पहली सिंगर हूँ जो इस सरजमी पे आके मैं गाने का मुझे मिला है, दो बार पहली बार भी आई हूँ, ये सेकंड बार आई हूँ। मेरा पूरा संचय है मेरे साथ, ये देखिए पूरा खड़ा है, ग्रुप है, हाँ पूरा ग्रुप आया है मेरा। कल यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ है तो ये सब बिक्की भंते जी ने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि भंते जी बाहर बाहर थे और हमारे प्रोग्राम में पानी के वजह से हॉल में प्रोग्राम था, सभी भिक्षुगण आए थे, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा।
अरे भारत में गाती हूँ तो इतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन इस सरजमी पे जो मुझे आनंद मिला है, फिर वो गाने का रहे या फिर चुअर का रहे या फिर आपका आशीर्वाद का रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं सभी जितने भी मतलब महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत की लेडी जितनी भी मुझे चाहती है, जितनी भी मुझे प्यार करती है, मेरी उपासक उपासिका, मेरी माँ, मेरे बहने, जितनी भी है, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप जिंदगी में एक बार चुअर जरूर लीजिएगा। साथ, 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 साथ।